नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि तुला नहीं है परंतु लगन तुला है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें अप्रैल मास की तो यह मास आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है। आप अपने बुद्धि बल के साथ साथ जोश एवं जुनून से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके प्रयासों से धन के आवागमन और लाभ में वृद्धि के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। ग्रह गोचर के अनुसार आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। लंबे समय से महसूस हो रही सुख शांति की कमी इस माह से दूर होती दिखाई देगी। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल पैदा होगा। अप्रैल मास से आपकी गोचर कुंडली के धन और अष्टम भाव का राहु केतु के प्रभाव से मुक्त होना सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अप्रैल मास से आप बचत करने में सफल रहेंगे। धन, कुटुंब और वाणी के संबंध में पेश आ रही दिक्कतों से राहत महसूस करेंगे। राहु केतु के प्रभाव से अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति बनी हुई है, वह भी दूर होती दिखाई देगी। राशि स्वामी शुक्र का गोचर पूर्ण मास अत्यधिक उत्तम रहेगा। दोस्तों, तुला राशि की अप्रैल मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब की बात ही करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर ही चर्चा करेंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है गोचर में ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जाता है। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अप्रैल मास में ज्यादातर सभी ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। 7 अप्रैल तक ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी जो कि पिछले समय से चली आ रही है। अति शत्रु ग्रह मंगल और शनि अति शक्तिशाली स्थिति में सुख स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अति कुछ नुकसानदायक भी होती है। दोनों का सुख स्थान पर गोचर सुखों में कमी कर रहा है। घर परिवार की सुख शांति भी प्रभावित हो रखी है। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कार्यस्थल के संबंध में भी यह स्थिति शुभ नहीं है क्योंकि कर्म भाव को मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है तो शनि शत्रु दृष्टि से देख रहा है। कार्यस्थल पर भी मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। अब 7 अप्रैल के बाद परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल होती दिखाई देंगी। दोस्तों, अप्रैल मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन मंगल का है। 7 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अब सुख स्थान से मंगल एवं शनि की युति टूटेगी, सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। चतुर्थ भाव पर क्रूर मंगल आपके मन में भी क्रूरता और कठोरता का भाव पैदा कर रहा था, अब आपकी वाणी और व्यवहार में पहले से शीतलता आएगी। कार्यस्थल पर भी पुराने मतभेदों में काफी कमी आएगी। उधर मंगल अब पंचम भाव पर गोचर करेगा। पंचम भाव पर पहले से ही गुरु और शुक्र का युति योग पंचम भाव की शुभता को 4 चांद लगा रहा है। पंचम भाव के संबंध में बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। गुरु और शुक्र दोनों का पंचम भाव पर युति योग बुद्धि बल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ज्ञान और कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि हो रखी है। अब मंगल बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, जोश और ऊर्जा की अधिकता आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया एवं बड़ा करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। आपके जोश और जुनून से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। पंचम भाव से तीनों ग्रहों की आय एवं लाभ पर दृष्टि आपकी बौद्धिक योग्यता, मेहनत और प्रयासों से आय और लाभ में वृद्धि करेगी। गुरु पिछले समय से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। अब मंगल और शुक्र का भी सहयोग प्राप्त होगा।
दोस्तों आपकी राशि के लिए मंगल धन भाव के स्वामी भी है। बुद्धि संबंधित कार्यों और संतान के माध्यम से खूब धन लाभ के योग बनेंगे। गुरु एवं शुक्र का युति योग आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा करेगा। तो मंगल, बुद्धि बल, संतान और क्रिएटिविटी के माध्यम से धन लाभ के योग बनाएगा। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। मंगल के बाद राशि परिवर्तन है बुध का। 8 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के भाग्य और विदेश भाव के स्वामी बुध का सप्तम भाव पर गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा। यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों इस अवधि में जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के संबंध में हो सकती है। अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक दोस्तों के लिए बुध की यह स्थिति बहुत उत्तम है। कार्य व्यापार का संबंध विदेश से जुड़ेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है छाया ग्रह राहु केतु का। 12 अप्रैल को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। धन और अष्टम भाव राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। धन के संबंध में स्थितियां बेहतर होंगी। वाणी दोष दूर होगा। अब राहु केतु के दंपत्य भाव पर प्रभाव से जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। 13 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा। गुरु दशम भाव कर्म भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा। दोस्तों कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि से कर्म भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पिताजी के सुख स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी। पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों के लिए यह दृष्टि बहुत उत्तम है। द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि से फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के विदेश यात्रा के अवसर पैदा होंगे। धन भाव पर गुरु की दृष्टि से धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। गुरु के बाद राशि परिवर्तन है सूर्य का। 14 अप्रैल तक सूर्य शत्रु स्थान पर गोचर कर आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। छठे भाव पर अधिकार पसंद सूर्य के गोचर से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अधिकार और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। सरकारी या गैर सरकारी किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो सूर्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है, बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों रोग स्थान पर आरोग्यकारक सूर्य का गोचर रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव के स्वामी भी है। सूर्य का छठे भाव पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 अप्रैल से पहले उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर है, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर अपने अति शत्रु ग्रह राहु के साथ युति योग बनाएंगे। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। दंपत्य भाव पर राहु सूर्य के युति योग से ग्रहण योग दंपत्य जीवन की सुख शांति भी प्रभावित कर सकता है। इस समय आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की भी अधिकता रहेगी। क्रोध और अहम के वशीभूत होकर जीवन साथी के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। सूर्य का उच्च होना कुछ राहत प्रदान करेगा। इस समय जोश जोश में होश ना खोएं। बुद्धि विवेक से सोच समझ कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। 24 अप्रैल को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा तथा धन भाव पर दृष्टि डालेगा। दोस्तों धन के संबंध में यह दृष्टि बहुत शुभ है। बुद्धि और वाणी के कार्यों द्वारा धन में वृद्धि होगी। मास के अंत में राशि स्वामी शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन भी तुला वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संपत्ति में वृद्धि करेगा।
27 अप्रैल को राशि स्वामी शुक्र उच्च राशि में प्रवेश कर स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। दंपत्य और प्रेम जीवन में मधुरता पड़ेगी। घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ वाये भी करेंगे। 29 अप्रैल को शनि के राशि परिवर्तन से चतुर्थ ढैया से छुटकारा मिलेगा। हर प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन जमीन जायदाद और वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता जी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। अब पंचम भाव पर मंगल एवं शनि का युति योग बनेगा। इस समय जल्दबाजी और आवेश में कोई कार्य ना करें। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाई रखें। धन के संबंध में यह उत्तम है। आगे की चर्चा हम मई मास के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।